आज की सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ के फौंजर डच्चर गांव में बादल फटने की खबर सामने आ रही है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक घटना में 4 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 30 से 40 लोग लापता बताए जा रहे हैं। खराब मौसम की वजह से बचाव के लिए पुलिस और सेना के जवानों को मौके पर पहुंचने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप वीडियो में भी देख पा रहे होंगे तबाही का तांडव। घायलों का एयरलिफ्ट करने के लिए एयरफोर्स की भी मदद ली जा रही है। किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने की कोशिशें की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद भारत के राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि लोगों की मृत्यु से बहुत दुख हुआ है। मैं लापता हुए लोगों के लिए जारी राहत व बचाव कार्यों में सफलता की कामना करता हूं और शोकाकुल परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। बता दें कि देश के सभी प्रमुख राज्यों में बारिश हो रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर तरफ तांडव ही तांडव देखने को मिल रहा है। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र इससे अछूते नहीं हैं। यहाँ पर मौतों की भी संख्याएं बढ़ रही हैं। मानसून का तीसरा कम दबाव वाला क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहा है। इसके असर से शनिवार तक उत्तर भारत में भारी बारिश के आसार हैं। देश में 27 जुलाई तक कुल 408.5 मिलीमीटर मानसूनी बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि आमतौर पर 27 जुलाई तक 413.8 मिलीमीटर हो जाती है। यानी अब तक मानसून की सिर्फ 1% बारिश कम हुई है। आप देख रहे हैं द दस्तक 24।